परेशान हो रहे हो? ये सब तो इस रास्ते पर लगा ही रहता है। बलिदान तो क्रांति की सबसे अहम और आवश्यक मांग है। लोग आते हैं, जाते हैं और फिर आते हैं। इस तरह तुम्हारे जैसे क्रांतिकारी का विचलित होना बिल्कुल ठीक नहीं है। आप इसे छोटी सी बात कह रहे हैं? रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक जैसे नेताओं की कमी आखिर कैसे पूरी की जा सकती है? हाँ, ये तो मैं भी मानता हूं कि सच्चे साथी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, पर इस देश सेवा में जहां हमने अपनी जान की बाजी लगा दी, वहां तो ये सब बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। बड़े बड़े बलिदान देने पड़ते हैं दोस्त। ऐसे लोग तो बनाए जाते हैं, उत्पन्न नहीं किए जाते। क्या तुम बिस्मिल से कम हो? दृढ़ता और लगन से हर काम किया जा सकता है। लेकिन गुरुजी, नहीं दोस्त, अर्थहीन संदेह पुरुष के बल और पौरुष का नाश करता है। अपने पर संदेह मत करो। आने वाले आते हैं, जाने वाले चले जाते हैं, पर संसार की गति से नहीं होते। प्रकृति का तो नियम है गतिशीलता। तुम लाभ चाहे कुछ भी कर लो, आशा रखो चाहे निराशा रखो, प्रकृति को इससे कोई मतलब नहीं है। वो तो अपने नियम के मुताबिक गति करेगी। इसलिए रुको मत, चलते रहो। यही जीवन का शाश्वत नियम है। पर अब तो संगठन एक तरह से बिखर गया है, और अब संगठन को नए सिरे से खड़ा करना होगा, जिसमें सालों लग जाएंगे। आजाद, ये काम कोई खेल नहीं है। जीवन और मृत्यु का संघर्ष है। दुनिया का इतिहास इस बात का गवाह है कि आजादी के संघर्ष में पीढ़ियों को बलि देनी पड़ी। दूर क्यों जाते हैं? भारत में ही देखो, 1857 से ही ये संघर्ष जारी है। तब से आज तक कितने ही परमवीर अपना सब कुछ अर्पित कर चुके हैं। दोस्त, क्या पता स्वतंत्रता की देवी के दर्शन हो भी या नहीं। हो सकता है हमारी आने वाली पीढ़ियां इस महापर्व का जश्न मनाए, तो ये सोचकर क्या हम अपना काम छोड़ दें? देखो आजाद, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्यवधिकरस्ते मा फलेषु कदाचन। केवल कर्म ही हमारा अधिकार है, वही हमारी सीमा है। ठीक है, हम एक बार फिर से संगठन को खड़ा करें। अरे भगत, बड़े अच्छे टाइम से आए, क्या हाल है तुम्हारे? आपका आशीर्वाद है गुरुजी। वैसे आप लोगों की बातों में मैंने बाधा तो नहीं डाली? नहीं भगत, बल्कि सच बात तो ये है कि मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। मेरे लिए कोई सेवा? सेवा तो तुम कर ही रहे हो भगत। मातृभूमि की सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं होती। इनसे मिलो, इनका भी नाम तुमने सुना होगा। ये है चंद्रशेखर आजाद। आप पंडित जी हैं, बहुत नाम सुना है गुरु जी का। और आजाद, ये है भगत सिंह, मातृभूमि को पूरी तरह समर्पित। भगत, पंडित जी आजकल बहुत परेशान हैं। अशफाक और बिस्मिल को फांसी हो जाने के बाद से बहुत निराश हैं। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों एक साथ मिलकर काम करो। मुझे बहुत खुशी होगी गुरुदेव। लेकिन सावरकर जी। हाँ पंडित जी, बोलिए, आपको कोई ऐतराज है भगत के साथ काम करने में? ऐतराज क्या सावरकर जी, दरअसल मैं... आप संकोच में मत पड़िए, निसंकोच अपनी बात कहिए। दरअसल सावरकर जी, एक तो भगत की क्षमताओं से मैं परिचित नहीं हूँ, दूसरा अभी देखने से ही ये मुझे अभी कॉलेज से आया हुआ लगता है। पता नहीं हमारी कठोर शैलियों को ये बर्दाश्त भी कर पाएगा या नहीं। नहीं सावरकर जी, अभी मैं चलता हूँ। कोशिश करता हूँ अपना खोया हुआ आत्मविश्वास वापस लाकर दोबारा से इस संगठन को खड़ा करूँ। पंडित जी, आजादी के परवाने जल जाने की हिम्मत लेकर कैसे निकलते हैं? इस जंग आजादी में भगत को बिखरते देख सकते हैं, लेकिन टूटते नहीं। मेरे सीने में वही आग जल रही है जो आप और गुरु जी जैसे लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों के सीने में जल रही है। अरे ये मेरे भाई है, भगत मेरे भाई। आज मुझे बिस्मिल और अशफाक के साथ मिलते हैं।